सोइफैन एक ऐसी ब्लीच फीमेल कैरेक्टर जो बाहर से दिखने में जितनी रूड और इमोशनलेस लगती है, अंदर से वो उतनी ही सॉफ्ट और जज्बाती है। तो आज की वीडियो में हम सोइफैन की बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि सोइफैन कौन है और योडुइची के साथ बैटल से पहले वो इतनी ज़्यादा इमोशनलेस क्यों थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोइफैन बैक स्टोरी जानने के लिए हमें उस टाइम में जाना होगा जब योडुइची एक प्रिंसेस हुआ करती। तो योडुइची शिनहोइन क्लैन की प्रिंसेस थी जो बहुत जल्द स्टील फोर्स की लीडर बनने वाली थी, और तब फोन क्लैन वाले उसे अपना सब कुछ सौंपने वाले। फोन क्लैन शिनहोइन क्लैन की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और आगे चल के सोइफैन को भी सिर्फ योडुइची की रक्षा करने के लिए ही जीना था। तब सोइफैन को ये पता चल गया था कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। उसके बाद सोइफैन ने अपने आप को ताकतवर बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो योडुइची की रक्षा कर सके। उसके बाद सोइफैन भी स्टील फोर्स ज्वाइन कर लेती है। सोइफैन और योडुइची के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाता। सोइफैन यहाँ पर योडुइची को अपना सब कुछ मानती थी। इसके बाद सोइफैन और योडुइची एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन योडुइची ने अपना वादा तोड़ दिया और वो एक दिन अचानक से किसी को बिना बताए ही गायब हो गई। इस धोखे ने सोइफैन को हिलाकर रख दिया और इसके बाद उसके दिल में योडुइची के लिए नफरत पैदा हो गई और उसने कसम खाई कि वो योडुइची से ज़्यादा ताकतवर बनेगी और वो योडुइची को पकड़ कर रहेगी। इसके कुछ टाइम के बाद सोइफैन स्कॉट 2 यानी स्टील फोर्स की न्यू कैप्टन बन जाती है और बहुत सालों बाद सोल सोसाइटी आर्क में फिर से उसकी और योडुइची की मुलाकात होती है और उसके और योडुइची के बीच में लड़ाई होती है और उस लड़ाई के आखिर में सोइफैन जज्बाती हो जाती है और वो योडुइची को कोसती है कि उसने क्यों अपना वादा तोड़ा और उसे छोड़ कर चली गई। तो यही थी स्कॉट 2 के कैप्टन सोइफैन की बैक स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक।